بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 10th class computer chapter number 1 programming techniques today we have lecture number 5 so let's start our lecture today we will discuss about the flowchart in previous lectures we discussed about the candidate solution and algorithms And today we discuss about the flowchart, and we discuss subtopics. The flowchart, importance of flowchart in solving a problem, steps for drawing flowchart, flowchart symbols, flowcharts to solve problems. And today we discuss first four topics. These four topics, okay? Today we discuss the flowchart, importance of flowchart in solving problem. And steps for drawing flowchart, flowchart symbols. Okay, so let's start from the flowchart. Okay, the flowchart is a diagrammatically representation of algorithms. It describes what operations are required to solve a given problem. देखिए flowchart आपके पास क्या होता है? जैसे कि आपके पास algorithm होता है. एल्गोरिदम में आप लिखते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होती है प्रॉब्लम्स के जो सॉल्व करने का मेथड है वो आप लिखते हैं पूरा प्लान लिख देते हैं कि ये प्रॉब्लम है इसको यूँ हमने सॉल्व करना है फ्लो चार्ट भी उसी से मिलता जुलता होता है लेकिन इसमें क्या होता है इसने आपने एल्गोरिदम को ही डिस्प्ले एक्सप्लेन किया हुआ है लेकिन डायग्राम की सूरत में एक्सप्लेन किया हुआ होता है हम इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे उन सिंबल्स की मदद से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं ठीक है और फ्लो चार्ट आपको ये बताता है कि इस एल्गोरिथम में कौन कौन सा ऑपरेशन आपने यूज़ किया है या किस सीक्वेंस से आपने ये एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करना है ये फ्लो चार्ट आपको बताता है अब इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ये क्या है फ्लो चार्ट आपको बताता है कि आपने ये जो एल्गोरिथम लिखा है ये किस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होगा मीन स्टेप वाइज एग्जीक्यूट होगा या कुछ स्टेप छोड़ के एग्जीक्यूट होगा लेट्स सपोज वी टेक एग्जांपल आपने एक एग्जांपल देखी थी फैक्टोरियल की अब फैक्टोरियल में वो स्टेप वाइज एग्जीक्यूट नहीं होता वो कुछ स्टेप एग्जीक्यूट करता है फिर वो एक कंडीशन देखता है कि इफ़ के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन अगर के वन से बड़ा है तो आप गो टू स्टेप नंबर टू और थ्री जो भी आपने स्टेप ऊपर लिखा होगा उसके ऊपर वापस जाए तो उस सूरत में क्या होता है कि जो कंट्रोलर है वो दोबारा स्टेप नंबर टू या थ्री पे जाता है और वहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू हो देता है अब एक ये है और आपके पास दूसरे टाइप क्या है दूसरी टाइप ये है लेट्स सपोज कि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ये फाइंड करना है तो आप इस प्रोग्राम में आपको क्या चीज़ें चाहिए आपको दो चीज़ें चाहिए बेस और हाइट आप सबसे पहले वो लेते हैं बेस और हाइट लेते हैं फिर उसके बाद फार्मूले में उसको पुट करते हैं और अगले स्टेप में उसका आंसर दे देते हैं तो ये एक स्टेप वाइज सीक्वेंस एग्जीक्यूट होता है दोबारा इसको पीछे जाना नहीं पड़ता और ना ही ये कोई स्टेप छोड़ता है स्किप भी नहीं करता तो फ्लो चार्ट आपको बताता है कि ये जो आपने एल्गोरिथम लिखा है ये किस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होगा क्या ये स्टेप वाइज एग्जीक्यूट होगा या क्या ये आपके पास इस तरह एग्जीक्यूट होगा कि कुछ स्टेप को छोड़ के आगे जाके एग्जीक्यूट होगा ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको फ्लो चार्ट से इजीली मिल जाती है उसके बाद फ्लो चार्ट जो है ये कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले फ्लो चार्ट को लाजमी लिखेगा ठीक है और फ्लो चार्ट ये है कॉपी वर्क होता है आपका कॉपी में भी आप ड्रा कर सकते हैं फ्लो चार्ट जब एक दफ़ा आपने लिख लिया अब आप इस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेजेस आपने पहले पढ़ी होंगी लो लेवल लैंग्वेजेस आपने पढ़ी है मशीन लैंग्वेज असम्बली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपने पढ़े हैं सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा लैंग्वेज विजुअल बेसिक लैंग्वेज ये तमाम लैंग्वेजेस आती हैं आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में
अभी आपके कोर्स में भी जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है, इसको आप हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं और इसमें ही आप प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन उससे पहले फ्लो चार्ट आपके पास लिखा होना चाहिए। जब आप एक दफ़ा फ्लो चार्ट लिखते हैं उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में इसका एल्गोरिथम लिख सकते हैं। दूसरा इसका एक और फ़ायदा होता है, एक और फ़ायदा ये होता है, जब आप डायग्राम की सूरत में कुछ लाइंस की मदद से जब आप फ्लो चार्ट लिखते हैं तो आपको अगर एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्लो चार्ट से प्रॉब्लम ढूंढना इजी होता है। फ्लो चार्ट से आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं और फिर उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्लो चार्ट नहीं बनाया तो आपको प्रॉब्लम ढूंढने में थोड़ी दुश्वारी पेश होगी। लेट्स सपोज अगर आपने एक एल्गोरिथम लिखा है उसमें आपके पास 20 स्टेप्स हैं, तो हो सकता है फ्लो चार्ट में वो 20 स्टेप्स जो हैं वो आपके मैक्सिमम 6 और 10 लाइंस पे आ जाए। आपने डायग्राम की सूरत में बनानी है, लाइंस ड्रा करनी है, तो वो इजीली वहाँ से आपको मिस्टेक पता चल जाएगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस होती है फ्लो चार्ट की इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, इसलिए फ्लो चार्ट लाजमी बनाया जाता है। ओके जी, स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे आगे जाके, चैप्टर नंबर 2 में हम बनाएंगे, चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ फ्लो चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमेशा याद रखें आपने कुछ चीज़ों को जहन में रखना होता है। जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उम्मीद है कि आप में से कुछ बच्चों को याद होगा और कुछ बच्चों ने तो जहमत नहीं की होगी कि वो दोबारा बुक्स खोल के पढ़ें, तो इसको लाजमी पढ़ें। कैंडिडेट सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा अगर हम उसको रिवाइज करें तो कैंडिडेट सॉल्यूशन आपके पास डिफरेंट आते हैं, मोर देन 1, 2, 3, ठीक है, आप 2, 10 भी आ सकते हैं, 50 निकालें, आप जितने मर्जी कैंडिडेट सॉल्यूशन निकालें। फिर उन कैंडिडेट सॉल्यूशन में से आपने एक सॉल्यूशन चूज़ करना होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप एल्गोरिथम बनाएंगे, ठीक है। उसको चूज़ करने के मैंने आपको बताए थे कि 3 स्टेप होते हैं, 3 चीज़ें आपने देखनी होती हैं उसमें। कौन कौन सी 3 चीज़ें देखनी होती हैं, कुछ को तो पता होंगी, जैसे कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ये आपने देखा था, स्पीड उसकी अच्छी होनी चाहिए, जब आप उसको एग्जीक्यूट करें तो विद इन नैनो सेकेंड्स उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। थर्ड चीज़, कम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड आपका प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल और सादा अल्फाज जिसको हम कहते हैं, इस तरह का आपका एल्गोरिथम होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें थी कैंडिडेट सॉल्यूशन के लिए। इसी तरह आपने जब ये फ्लो चार्ट बनाना है तो अब आपने 4 चीज़ों को जहनशीन रखना है। उन 4 चीज़ें आपके पास कौन कौन सी हैं जी? आपके पास जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली इनपुट टू द फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट में आप इनपुट लाजमी देंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप इनपुट नहीं देंगे, इनपुट आप क्या ले रहे हैं ये आपको नहीं पता, तो आपका एल्गोरिथम किसी काम का नहीं, आप तो कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ है टाइप ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो फ्लो चार्ट बना रहे हैं इसमें प्रोसेसिंग किस किस्म की होगी, आपको ये लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है जी। थर्ड, डिसीजन टू बी टेकन। आपको ये पता होना चाहिए कि इस फ्लो चार्ट में या जो भी प्रॉब्लम है जिसका आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं इसमें आपने कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, इसमें आपने कौन सी, आसान लफ्जों में बोला जाए तो कौन सी कंडीशंस यूज़ करनी है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एट द एंड द आउटपुट टू बी प्रोड्यूस आफ्टर प्रोसेसिंग, यू हैव टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट विल बी रिक्वायर्ड, क्या किस किस्म की आपको आउटपुट चाहिए। अगर आपको इन चारों चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप फ्लो चार्ट एक अच्छा बना सकते हैं, अदरवाइज वो फ्लो चार्ट तो बन जाएगा लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा। अब इनपुट टू द फ्लो चार्ट, इन चारों टर्म्स को मैं थोड़ा थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट, अच्छा
इनपुट में क्या होता है, जो भी फ्लो चार्ट डेवलपर होता है या प्रोग्रामर होता है, लेट्स सपोज आप ही प्रोग्रामर हैं, अभी आपने इंशाल्लाह आगे जाके फ्लो चार्ट बनाने हैं, एल्गोरिदम बनाने हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ें जहन नशीन रखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ कि इनपुट, आपने फ्लो चार्ट में इनपुट कैसे देनी है, ठीक है। और इनपुट के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल से अच्छी तरह समझेंगे। देखें, लेट्स सपोज कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप की इनपुट चाहिए या क्या क्या इनपुट चाहिए। आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो आपको बेस चाहिए और हाइट चाहिए, इन दोनों की आपको लेंथ सेंटीमीटर में या इंचज में जिसमें भी रिक्वायर्ड है वो आपको चाहिए। तो ये होता है पहला स्टेप कि इनपुट लाजमी चाहिए किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए और फ्लो चार्ट बनाने के लिए, और प्रोग्रामर को ये पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप की इनपुट चाहिए, आपने वो लेनी है और उसके बाद उस पर वर्किंग स्टार्ट करनी है। ओके जी, और नॉर्मली जो है इनपुट आपको प्रोग्रामर जो भी होता है वो स्टेटमेंट से ही ले लेता है। आपने देखा होगा हमने एल्गोरिदम में 13 प्रॉब्लम सॉल्व की थी, प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम नंबर 13, और अप्रोक्सीमेटली या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट हर ही प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से आपको इनपुट का पता चल जाता था कि हमने इसमें इनपुट क्या लेनी है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसमें आपको ये पता ना हो कि अभी हमने इनपुट क्या लेनी है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जो कि प्रॉब्लम को पढ़े, उसको समझे, केयरफुली रीड करे और उसके बाद उसमें से जो इनपुट उसको चाहिए वो वहाँ से निकाल ले अपने लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि आप थ्योरम में भी करते हैं, गिवन आप थ्योरम की स्टेटमेंट से ही निकालते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या आता है, प्रोसेसिंग आपके पास, देखें प्रोसेसिंग की हेडिंग से ही जाहिर है, प्रोसेसिंग कंप्यूटर की फील्ड में किसको कहते हैं, काम करने को, ठीक है, तो कैसे प्रोसेस करेगा। तो फ्लो चार्ट भी यही डिस्क्राइब करेगा कि एल्गोरिदम किस तरह प्रोसेस करेगा, किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अच्छा, अब जो कंप्यूटर डेवलपर होता है या कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ये जो आप लोग हैं, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप कोई एल्गोरिदम बनाएंगे या फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको किस तरह की कैलकुलेशन चाहिए होंगी, किस तरह की कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपको मिलेगा। अगर ये आपको नहीं पता तो आप फिर फ्लो चार्ट नहीं बना सकते और ना ही एल्गोरिदम बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जाम्पल दूँ, तो चले एरिया ऑफ ट्रायंगल ही ले लेते हैं क्योंकि हम पहले भी इसके एग्जांपल लेते आए हैं। आपने बेस भी ले ली, हाइट भी ले ली, इनपुट आपने ले लिया, अब आपको यही नहीं पता कि मैंने फार्मूला कौन सा लगाना है, तो आप खुद बताएं क्या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। जब आपको पता ही ना हो कि फार्मूला कौन सा है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, फार्मूला नहीं पता, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी एल्गोरिदम है, कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे उस दिन फैक्टोरियल का हमने प्रोग्राम किया था तो कुछ बच्चों ने ये पूछा था, सर फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये वर्ड ही न्यू था फैक्टोरियल, क्योंकि नाइन्थ तक आपने पढ़ा नहीं होता। ये मैट्रिक में वर्ड आया है पहली दफ़ा फैक्टोरियल, और मैथ्स में ये वर्ड आएगा फर्स्ट ईयर में फैक्टोरियल, सेवन्थ चैप्टर में जाके आपके पास। तो आप कुछ बच्चों को फैक्टोरियल का ही नहीं पता तो वो एल्गोरिथम कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए जब भी आप फ्लो चार्ट बनाएं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं किस टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा तो ये मेरा प्रोग्राम या एल्गोरिथम जो है ये रन होगा। यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि फ्लो चार्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। जब आप पेपर वर्क करते हैं तो एल्गोरिथम बनाना आसान हो जाता है। तो ये होता है प्रोसेसिंग। और फिर आपने जब आपको पता चल गया कि मैंने इस तरह प्रोसेसिंग करनी है, तो फिर आपने उसको जो रिक्वायर्ड फार्मूला है वो आपने लिखना है और उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला ऐसा होना चाहिए
कि जो आपको आंसर रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली वो आंसर वो आपको उस फार्मूले से मिले, ठीक है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डिसीजन। अब आपने डिसीजन कैसे लेना है जी? डिसीजन का मतलब ये नहीं होता यहाँ पर कि फैसला, कि आपने फैसला क्या करना है। एल्गोरिथम में फैसला क्या होता है, डिसीजन क्या करना पड़ता है? एल्गोरिथम में आप डिसाइड करते हैं जब आप इफ की कंडीशन लगाते हैं, और उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, लेट्स सपोज सीक्वेंस, रिपीटेशन और सिलेक्शन, लूप, ये सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। सीक्वेंस मीन्स कि ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि स्टेप वाइज स्टेप नंबर वन से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 एंड, अगर वन से लेके 5 स्टेप हैं स्टेप वाइज आए और वो ख़त्म कर दे। अब रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन आपने देखा होगा कि आपने कुछ एल्गोरिथम्स किए हैं, ठीक है, उसमें अभी तक आपने रिपीटेशन जो सही कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो आपने पढ़ा नहीं है, वो आगे जाके पढ़ेंगे, लूप कहते हैं उसको, एक ही चीज़ को वो बार बार दोहराता है, ये भी हमने नहीं पढ़ा। लेकिन सिलेक्शन आपने पढ़ लिए, आपने ये सीक्वेंस पढ़ा है और सिलेक्शन का थोड़ा बहुत आपने आइडिया ले लिया है। सिलेक्शन में आपने क्या पढ़ा है? सिलेक्शन मीन्स इफ की जो आप कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि आपने एक एल्गोरिथम बनाया भी था उस दिन, इफ के इज लेस देन इक्वल टू 1 देन अदरवाइज, तो ये होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास इफ कंडीशन आ जाए, ठीक है। तो अब आपने जब फ्लो चार्ट बनाना है तो आपको पता होना चाहिए, आपने इनपुट भी ले ली, पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में क्या था, क्या करना होता है, आपने प्रोसेसिंग भी कर दी, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, वो भी आपको पता चल गया। अब आपने देखना है कि मैंने इसमें कौन से डिसीजन लेने हैं, ठीक है जी। डिसीजन लेने के लिए जैसे कि आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया था तो उसमें डिसीजन लेना पड़ता है, इफ़ के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 देन गो टू स्टेप नंबर 3। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 6। अब ये क्या था, डिसीजन था कि अगर आपके केस है वो बड़ी वैल्यू हो तो आप दोबारा 3 पे जाएं और दोबारा ऊपर से सॉल्व करते हुए आएं, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो अदरवाइज के जो बाद के स्टेटमेंट्स हैं आप वहाँ पर जाके इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें। आई होप आपको समझ आ रही होगी, मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ साथ और आसान वर्डिंग में आपको समझा भी रहा हूँ। तो ये हो गया डिसीजन। आप आगे चलते हैं तो लास्ट पे आपके पास आता है इनपुट, ठीक है जी। अब आउटपुट आपने क्या देना है, ये होता है द फ्लो चार्ट मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट। अगर आपके पास ये 4th स्टेप तब ही एग्जीक्यूट होगा, लेट्स सपोज आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, इनपुट में आप लेते हैं बेस और हाइट, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो बेस और परपेंडिकुलर की जगह बेस और हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, तो सिंपल सी बात है उसका पहला स्टेप गलत हो गया तो वो आउटपुट कैसे सही देगा। अच्छा, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है वो इनपुट ठीक लेता है लेकिन प्रोसेसिंग में उसको फार्मूला नहीं पता, तो क्या फिर भी आउटपुट ठीक आएगी? नहीं आएगी। आप देखिए, अगर गौर करें तो ये एक चेन बनी हुई है, पहला स्टेप ठीक होगा तो दूसरा ठीक होगा, अगर पहला ठीक हो गया दूसरा ठीक हो गया तो तीसरा ठीक होगा, अदरवाइज फर्स्ट टू स्टेप आपके अगर ठीक है तीसरा गलत है तो चौथा ठीक नहीं होगा। इसी तरह पहला ठीक होगा फिर आपने दूसरे पे आना है गौर से, प्रोसेसिंग के लिए फार्मूला ठीक होना चाहिए, दो स्टेप ठीक हो गए फिर आप तीसरे पे आएंगे, और तीसरा क्या है, डिसीजन, आपने डिसीजन लेना है। डिसीजन आपका अगर ठीक हो गया तो अब आपने आउटपुट की तरफ आना है, जब पिछले तीनों स्टेप ठीक होंगे तो आप आउटपुट की तरफ आएंगे तो अब आपको आउटपुट भी ठीक मिल जाएगा। लेट्स सपोज बेस आपकी 4 है, हाइट आपकी 5 है, फार्मूला आपको पता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2, सो 4 मल्टीप्लाई 5 इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, आउटपुट में 10 आपको डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि पिछले आपके स्टेप ठीक होंगे।
ओके, तो ये आउटपुट जो है ये बिल्कुल सही होना चाहिए फ्लो चार्ट से, लेकिन ये डिपेंड करता है पिछले स्टेप्स पे। अगर पिछले स्टेप्स ठीक ना हुए तो ऐसा नहीं कि आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, लेकिन होगा ये कि जो आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको उससे हट के कोई और आउटपुट मिल जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट फ्लो चार्ट सिंबल्स। कुछ सिंबल्स को आज हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर करें उसमें आपको मैंने कुछ प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व करानी है फ्लो चार्ट की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं उसके क्या मीनिंग्स हैं, तो आज वो पढ़ लेते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल्स, जैसा कि आपको पता है कि फ्लो चार्ट जो है ये डायग्रामेटिकली हम एल्गोरिदम को इसमें एक्सप्लेन करते हैं, तो डायग्रामेटिकली अगर किसी चीज़ को बनाया जाए तो उसमें आपको पता है कुछ लाइंस और कुछ सिंबल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में हर सिंबल्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो आप मैथ्स में देख लें, मैथ्स में अगर आप, मैं आपको कुछ सिंबल्स यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज अब इसका क्या मतलब होता है, इक्वल, तो दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में बराबर हैं। अच्छा, अब इसी तरह इसका भी कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, फिर इसी तरह आपके पास जो है इसका एंड के लिए यूज़ किया जाता है, इसका स्पेसिफिक पर्पस होता है, इसका भी, तो इसी तरह मैथ्स में पैरेलल का साइन होता है, फिर इसी तरह मैथ्स में कॉन्ग्रेंट के सिंबल्स होते हैं। तो जिस तरह मैथ्स में स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं और उनके स्पेसिफिक मीनिंग्स भी होते हैं, ठीक है। और इन तमाम सिंबल्स को आपने कनेक्ट किया हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लाइंस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स चेक सम सिंबल्स। ओके जी, अब ये आपके पास कुछ डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो आप फ्लो चार्ट बनाते हुए यूज करते हैं। अब फ्लो चार्ट को बनाते हुए जो सबसे पहला सिंबल यूज होता है वो होता है ये एरो, इसको कहते हैं फ्लो लाइन, इसको क्या कहते हैं, फ्लो लाइन। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास जो सिंबल होता है वो होता है स्टार्ट और स्टॉप का, होता ये एक रेक्टेंगुलर की शेप का है लेकिन जो इसके दोनों एजेस हैं उसको थोड़ा सा सर्कल की तरह गोलाई दे दी जाती है। और नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट, और इस शेप को क्या कहते हैं आप सबको बेहतर पता होगा, पैरेललोग्राम बनाई जाती है, इसी तरह मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, चले वो मैथ्स के पीरियड में आपको बताएंगे। तो फ्लो लाइन, स्टार्ट स्टॉप, इनपुट, जब ये लाइन आएगी तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी फ्लो किस साइड से किस साइड पे जा रहा है, प्रोग्राम किधर से किधर जा रहा है। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन तमाम सिंबल्स की डिटेल आपको बता दूंगा, अभी सिर्फ आप चलें सिंबल देख लें क्योंकि अभी आपके क्वेश्चनिंग का भी टाइम देना है। फ्लो लाइन, स्टार्ट स्टॉप, इनपुट आउटपुट के लिए ये सिंबल होगा, जिधर भी ये सिंबल यूज हो आप समझ जाएं कि यहाँ पर या तो हम इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, ये जहाँ पर भी आ जाए तो आप समझ जाएं कि अब यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही होगी। इस सिंबल का मतलब है कि आपने कोई चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इस सिंबल का मतलब होता है डिसीजन, जहाँ पर भी ये सिंबल आएगा इट्स मीन यहाँ पर आप कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन का मैंने आपको भी बताया कि आप इफ कमांड लगा रहे हैं या रिपीटेशन लगा रहे हैं। रिपीटेशन तो अभी आपने नहीं पढ़ी लेकिन इफ कमांड आप लोगों ने पढ़ ली है, तो आप ये समझ जाएं कि अब यहाँ पर मैं इफ कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट कनेक्टर, ऑन पेज ऑफ पेज का क्या मतलब होता है ये हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन पूरे सिंबल्स के बारे में, लेकिन कनेक्टर जैसा कि नाम से ही जाहिर है कनेक्टर वो चीज़ है जो दो स्टेप्स को आपस में कनेक्ट करता है। अगर फ्लो चार्ट्स में अभी तो क्योंकि आपके पास छोटे छोटे एल्गोरिदम्स हैं, आगे जाके आपके पास जब बड़े बड़े एल्गोरिदम्स आएंगे तो उसमें आप देखेंगे
जो एल्गोरिदम है उसमें कुछ आपने पार्ट्स बना दिए, पार्ट नंबर वन पार्ट टू, तो उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ऑन पेज भी यूज होता है, ऑफ पेज भी यूज होता है, इनको कहते हैं कनेक्टर। तो बाकी इनकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं, मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। एहसन इखलाक, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।